वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ए जी अमृतसर पंजाब न्यूज़ चैनल देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत। वीडियो में देखने तो पहले सबसक्राइब और शेयर जरूर करा करो ताकि हर एक वीडियो तेरे तक पहुँच सके। और सर जैसे ये बहुत सुंदर दिख रहा है दिखने है ना, इसके बारे में प्लीज बताएं। इसको बोलते हैं वेरिएटेड एजेलिया। जी सर। इसमें छोटा छोटा फूल होते हैं, हल्का पीला जी, और ये सदाबहार बूटा है, 12 महीना चलते हैं। एक गमले में लगा दीजिए तो आउटडोर में बहुत अच्छा चलता। तो सर जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, आपने काफी जो पौधे उनके बारे में बताया है, क्या इससे भी ऑक्सीजन मिलती है? हाँ, इससे भी ऑक्सीजन मिलती है, बहुत ही ऑक्सीजन मिलती है। जी सर, ये तो वही है ना सदी उतर वाले। छोटा पौधा है, इसके पत्ते भी घूमे हुए हैं, इसके बारे में इसके पत्ते भी इस तरह घुमा हुआ कटिंग होते हैं और देखने में भी अच्छा लगते हैं। ये बूटा सदाबहार है, लेकिन इसका फ्लावर आते हैं आपका ठंडी का मौसम में जी, कोई लाल कलर, कोई पीला कलर, कोई गुलाबी कलर, कोई चिट्टा कलर, बहुत किस्म की कलरिंग है फूल होता है। इसका नाम है कलंच। कलंच। और सर अगर बात करें हम गुलाब की, गुलाब जो है हर एक त्योहार में मनाया जाता है, तो इस गुलाब के बारे में बताएं कितने प्रकार के जो होते हैं गुलाब? देखिए एक्चुअली होते हैं 3009 किस्म जी, हमारे यहाँ उतना गुलाब नहीं चलते हैं। तो बात देखिए जो जो हमारे यहाँ चलते हैं हम लोग थोड़ा रखते हैं जी, 30-40 प्रकार गुलाब रखते हैं। तो ये जो गुलाब है ये सदाबहार गुलाब है जी, और ये गुलाब 12 महीना ही आपका होता है और बड़ा बड़ा फूल देते हैं। कहीं गुलाब होता है छोटा होता है, बटन फ्लावर बोलते हैं, कोई बोलते हैं चाइनीज गुलाब छोटा छोटा होता है बोलते हैं जी सर, लेकिन ये जो है ये आपको हाइब्रिड गुलाब है, और कहीं आदमी इसको बोलते हैं कि कश्मीरी गुलाब जी, लेकिन एक्चुअली ये यहीं पर ही होते हैं और इसका फूल 12 महीना होते हैं बड़े बड़े जी सर। हाँ सर, जैसे कि पीपल जैसा पौधा दिख रहा है, हाँ जी, ये क्या चीज है? ये पीपल नहीं है, इसको बोलते हैं ब्लैक रबर प्लांट जी। ये ब्लैक रबर प्लांट ये एक्चुअली आउटडोर बूटा है, धरती में लगाते हैं, ये दरख्त बांधते हैं और ज़्यादातर ऑक्सीजन देते हैं जी। बात यह है कि अभी छोटा है तो बहुत आदमी ले जाके गमले में लगाते हैं जी, बाद में जब बड़ा होते हैं आपको धरती में लगाना पड़ता है। ये बूटा बड़ा होते हैं और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है जी सर। सर जैसे कि ये देख रहे हैं हम, इसके बारे में बताएं इसका नाम क्या है और ये कब चलता है? ये सदाबहार बूटा है, 12 महीना चलता है। इसका नाम है स्नेक प्लांट जी। स्नेक प्लांट कई प्रकार की होती है, तो ये जो स्नेक प्लांट है ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं जी सर, तो इसे करके इसको इंडोर भी चलते हैं और आउटडोर भी चलते हैं जी सर। और ये आपको पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए और आपको कोई मतलब जो हवा को जो ये करते हैं प्यूरीफाई करते हैं, ये बूटा सबसे अच्छा होता है जी सर। और सर जैसे कि देख रहे हैं ये भी ये छोटे छोटे पत्ते हैं, लेकिन इसके पत्तियां बहुत अच्छी हैं और दिखने भी सुंदर लग रहा है, इसके बारे में बताइए। ये होता है सो बास्ती जी, ये सो के लिए होता है, गमले में फिट करने झाड़ी टाइप का बनता है। इसका बड़ा बूटा भी वहाँ पर है जी सर, तो ये होता है सो बास्ते, इसका नाम है पेडेनास। ओके, ये बूटा सो बास्ते ही होता है जी सर। और जैसे कि ये है सर, ये है इंडोर, इंडोर हाँ जी, इसका नाम है डेसिना कॉम्पैक्टा जी। तो ये आपको गमले में रखते हैं और आपका इंडोर प्लांट बोला जाता है इसको जी, और हर बूटा ही आपको ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन किसी में कम किसी में ज़्यादा यही जी। ये बूटा जो है ये कौन सा है? ये बूटा का नाम है ब्रमुलेटा जी। ये बूटा का नाम है ब्रमुलेटा, ये बूटा आपका ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, प्लस इसके ये देखिए चिट्टा कलर का जैसे बालों की जैसा भर जाते हैं। ये बूटा का यही डिजाइन है, इसमें फूल नहीं होते, लेकिन इसका बालों के जैसा इतना बूटा में भर जाते हैं कि पूरा जैसे देखने में भी बहुत अच्छा लगते हैं और गमले में भी बहुत अच्छा शो करते हैं जी। और सर जैसे कि ये गोभी के जैसा बूटा है ना, इसके ये फूलों वाला का बूटा आइटम जी, ये फूलों वाला बूटा है, इसको बोलते हैं ड्रैगन मरुआ जी सर। ये बॉल की तरह ऑटोमेटिकली गोल हो जाते हैं, इसको कटिंग नहीं करने पड़ते, सिर्फ पानी का लोड है, इसको थोड़ा पानी ज़्यादा मांगता है। और एक बात है, इस पर छोटा छोटा फूल होते हैं हल्का पीला कलर का जी, लेकिन खुशबू ही हो जाती है जी सर, ये बूटा का यही। और सर जैसे कि ये हम देख रहे हैं ये वेल है, इसका नाम क्या है और ये इसका नाम है स्पैराग्रस मेरी
जी ये गमले में लगाते हैं शो वास्ते, घर के लिए अच्छा लगता है जी, और आउटडोर भी लगा सकते हैं, इंडोर में भी लगा सकते हैं जी। ये है बूटा जी सर। और सर जैसे कि हम उधर भी देख रहे हैं, तो प्लीज उन बूटों के बारे में भी बताइए। ये बूटा जो है इसको बोलते हैं एग्नोनोमा जी, ये भी इंडोर है, ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं जी। अच्छा, ये इसको बोलते हैं हिबिस्कस, ये फूलों वाला आइटम है, ये बड़े बड़े फूल होते हैं, प्लस ये आउटडोर है जी सर, और 12 महीना आपको फूल देगा। सिर्फ ठंड में थोड़ा इसको बचाव रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा उतना ठंड में कुछ नहीं होते, लेकिन जो कूड़े पड़ते हैं कूड़े में थोड़ा सा दिक्कत होता है जी। और सर आपके पीछे में जो है छोटे छोटे पत्ते हैं, इसके बारे में बताइए। लेकिन ये आपको पहले दिखाया वो है एजेलिया, पहले जो वहाँ पर दिखाया था जी, उसी का ही सर वो आ गया। और सर जैसे कि ये लाल गुलाबी रंग इसका है, इसका पत्ता और भी लाल हो जाते हैं, इसमें लाल कलर का फूल भी भर जाते हैं छोटा छोटा, इसको बोला जाता है बिगोनिया। बिगोनिया बिगोनिया तो ये बूटा आपका 12 महीना है, इसको पानी थोड़ा सफिशियंट देना पड़ता है, ज़्यादा पानी ना दीजिए, गमले में रखेंगे ये पूरा गमला भर जाते हैं, फूल भी देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सर ये जो बूटा है, हाँ जी, ये कहाँ से आया है? ये कलकत्ता से। ये भी कलकत्ता है? हाँ जी। सर जैसे कि ये पौधा है, हाँ जी, इसके बारे में बताइए। ये बूटा होता है आउटडोर के लिए जी, तो ये बूटा आपको गमले में फिट करते हैं, पीला कलर का होते हैं और बहुत शो मांगते हैं। ये बूटा 2 से 2.5 फीट हाइट होते हैं और देखने में बहुत अच्छा लगता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो घंटी दे बटन जरूर दबाओ।